हेलो एवरीवन, आज हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से प्रोसीड करती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स होते हैं जो प्रक्रिया को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, और कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर की ज़रूरत होती है जो कि मैसेज को सेंड करेगा। वो मैसेज को सेंड करने के लिए एक रिसीवर होना भी बहुत आवश्यक है, और उसके बाद तीसरी चीज है एक मैसेज। इफ मैसेज इज नॉट अवेलेबल देन सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट। उसके साथ ही साथ आप जब कम्युनिकेशन करेंगे तो सेंडर के पास जो मैसेज होता है वो उसे अच्छे से एनकोड करेगा। जब वो अच्छे से मैसेज को एनकोड करके डिलीवर करेगा तो मैसेज रिसीवर के पास जाएगा और मैसेज को रिसीवर डिकोड करता है, और मैसेज अगर अच्छे से एनकोडेड है तो डेफिनेटली वो मैसेज को ढंग से समझ पाता है। इसके साथ ही साथ आपके पास चैनल होना भी बहुत जरूरी है। चैनल का मतलब होता है माध्यम, यानी कोई भी मैसेज सेंडर एक मैसेज भेज रहा है, किस माध्यम से भेज रहा है। वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहा है, वो इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, उनमें भी स्टेटस लगा करके और अलग अलग तरीके से अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप मैसेज के लिए कौन से माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, किसको आप मैसेज दे रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, उसको नॉलेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मैसेज एनकोड हुआ है या नहीं, या वो डिकोड करने में उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या एंड हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स आर included in the communication process, और उसके बाद एक feedback भी होता है। feedback भी बहुत important है। feedback से ये पता चलता है कि जो message sender के द्वारा भेजा गया था वो receiver को अच्छे से मिला या उसमें कोई problem आई understanding में, तो feedback से वो इस बात का अनुमान लगा लेता है कि जो message उसने भेजा वो अच्छे से समझा गया, और यदि नहीं समझा गया तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो उन कारण और उन प्रॉब्लम्स को दूर करके अपने मैसेज, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन लेवल को वेरिएट कर सकता है, और अलग अलग प्रकार से वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर वेरिएशंस ला सकता है, ताकि जो कोई भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है, जो जिस भी मैसेज को वो डिलीवर कर रहा है वो इफेक्टिवली रिसीवर के पास पहुंचे, वो उसे अच्छे से समझ पाए। तो आज हम डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट, सोर्स, रिसीवर, कॉन्टेक्स्ट, इंटरफेरेंस, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं हाउ डू वी इन्फर द मीनिंग एंड द फीडबैक। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट क्रिएट एन इफेक्ट ऑन effective communication. First of all, let us know about the definition of communication. कि communication है क्या, हम उसे किस प्रकार से define कर सकते हैं। किसी भी बात को किसी व्यक्ति तक पहुंचाना या information को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना communication कहलाता है, और पहुंचाने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने मैसेज को भेजा है, sender ने मैसेज को भेजा है, receiver ने उसे receive किया है, उसके बाद वो उसे समझ पाए। If the receiver is understanding from one whatever the message is delivered by one person, then only your communication is effective. Communication word derive किया गया है Latin word communus से, जिसका मतलब होता है share करना। Effective communication जब हम कहेंगे, जब message जिस sender के द्वारा जो message convey किया गया है वो receiver के द्वारा perfectly समझा जाए, या उसका इंटेंशन, उसका मतलब वो ढंग से समझ पाए, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। यानी हम किसी भी मैसेज को किसी के साथ शेयर करते हैं और उसका अगर कोई गलत मतलब निकाल लेता है, या फिर उसको वो अधूरा समझ लेता है, ढंग से समझ नहीं पाता है, इसका मतलब हमने अपने मैसेज को ढंग से इनकोड नहीं किया, और डिकोडिंग में जो रिसीवर है उसने डिफरेंट टाइप से उस मैसेज को समझ लिया। इसके बाद बेटा आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस टू वे प्रोसेस है। एक व्यक्ति अकेला कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। अगर आपके पास सामने कोई व्यक्ति नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज किसे भेजेंगे, और अगर आपके पास कोई व्यक्ति बैठा नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन
प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती, ये टू वे प्रोसेस है, इसमें आदान प्रदान होना आवश्यक है, यानी जो व्यक्ति मैसेज भेजेगा, जो सुनने वाला है उसे सुनकर के समझेगा और उसके अनुसार वो वापस से रिप्लाई भी करेगा, फीडबैक भी देगा। तो मैसेज के अंदर हम किसी आइडिया को, किसी थॉट को, किसी फीलिंग को, ओपिनियन को हम आपस में आदान प्रदान करते हैं। वन पर्सन, ये एक व्यक्ति से भी हो सकता है, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ भी अपना कम्युनिकेशन हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत बार जब ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीफोन टेलीविजन चैनल पे अगर कुछ भी चीज ब्रॉडकास्ट होती है तो वहां पे एक जगह से वो ट्रांसमिशन चल रहा है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एक टू वे प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे कितने भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखेंगे इस इमेज के अंदर एक सेंडर होता है जो मैसेज को एनकोड करता है परफेक्टली और फिर उस मैसेज को किसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजता है, बाद में रिसीवर डीकोड करता है और फीडबैक लेना सेंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो ये जान पाए कि जो मैसेज उसने भेजा था वो मैसेज सही तरीके से समझा गया या नहीं। अब इसके बीच में बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं, जैसे नॉइस यानी आवाज हो, या अभी समझ लीजिए हम अगर इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं तो हमारा इंटरनेट में कोई बाधा आ जाए तो भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। सबसे पहला कंपोनेंट या एलिमेंट अगर हम कहें कम्युनिकेशन प्रोसेस में तो वो होता है सेंडर। अगर सेंडर ही नहीं है तो मैसेज ही हमारे पास नहीं आएगा। सेंडर को ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि सेंडर को मैसेज को ढंग से एनकोड करना चाहिए। सेंडर बिगिंस विद द एनकोडिंग प्रोसेस वेयर इन ही यूजेस सर्टेन वर्ड्स। अब मैसेज आप बहुत तरीके से भेज सकते मैसेज को आप बहुत तरीके से भेज सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सेंडर की नॉलेज कितनी है, उसके स्किल्स कितने हैं, हाउ डज अ सेंडर परसेप्ट दोज थिंग्स, बैकग्राउंड क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसी का लेवल क्या है, और इन सब बातों पर ही निर्भर करता है कि एक सेंडर अपने मैसेज को जैसा भेजता है वो रिसीवर के द्वारा किस प्रकार से समझा जाता है। तो सेंडर का अगर नॉलेज इंफॉर्मेशन लेवल अधिक है तो डेफिनेटली मैसेज को अच्छे से इनकोड कर पाएगा और उसे अच्छे माध्यम के द्वारा रिसीवर तक भेज पाएगा। अब अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस काम किस प्रकार से करता है, ये एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। इट बिगिंस विद द कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ आइडियाज बाय द सेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कॉन्सेप्चुअलाइज, आपको विजुअलाइज करना है, आपको अपने दिमाग में सोचना है कि आपको मैसेज क्या भेजना है, आखिर कौन सा मैसेज है जिसे आप भेजना चाहते हैं, और वो मैसेज किस प्रकार से अगले व्यक्ति तक पहुंचे कि वो उसे ढंग से रिसीव कर पाए। आपने जो मैसेज भेजा है उसका मतलब उसे ठीक वैसा ही समझाए जैसा आपने उसे बताने की कोशिश की है। अब मैसेज के लिए एक चैनल को आप अगर इस इमेज को देखेंगे तो सबसे पहले सेंडर एक मैसेज को भेजता है और वो मैसेज एनकोडेड होता है बहुत अच्छे से, उसके लिए एक मीडियम की भी जरूरत होती है, एक चैनल की भी जरूरत होती है, फिर वो मैसेज रिसीवर के द्वारा डीकोड किया जाता है और रिसीवर उसे रिसीव करने के बाद में वापस से फीडबैक भी देता है, और बीच में बहुत सारी बैरियर्स यानी बाधाएं होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट नहीं होने देती हैं। और इसमें नॉइज मेन है कि अगर अभी बहुत तेजी से आवाज हो रही हो तो हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे, या अन्य भी बहुत प्रकार के बैरियर्स होते हैं, बाधाएं होती हैं जिनके वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कम्प्लीट नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि देर आर 7 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बट अगर हम मेजरली उन्हें पढ़ना चाहें तो वो हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था सेंडर और सेकंड आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग सेंडर के द्वारा की जाती है, यानी वो किसी भी मैसेज को इस प्रकार से गढ़ता है, इस प्रकार से बनाता है कि जो सुनने वाला है उस मैसेज को ढंग से समझ पाए। तो एनकोडिंग प्रोसेस के अंतर्गत नॉन वर्बल, वर्बल, सिंबल्स, साइंस, बॉडी जेस्चर्स, ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। यानी यदि मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारे मैसेजेस अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से, अपने हाथों के या अपनी बॉडी के एक्सप्रेशन से, मूवमेंट से आपको दे सकती हूँ। द सेंडर
नॉलेज, स्किल्स, परसेप्शन, बैकग्राउंड एंड कॉम्पिटेंसीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर सेंडर को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो ढंग से आपको किसी मैसेज को भेज नहीं सकता है, तो हम उस मैसेज को सक्सेसफुली कन्वे नहीं कर पाते. आपने देखा होगा कि बहुत बार जब हमको घर से किसी पड़ोसी को मैसेज देने के लिए बोला जाता है, तो मम्मी पापा चुनाव करते हैं कि इन भाई बहनों में से इसको ही भेजते हैं, ये ढंग से मैसेज दे करके आएगा. या अगर कोई बात किसी पड़ोस में या फिर अपने रिलेटिव को या किसी भी जानकार व्यक्ति को देनी होती है, तो परिवार में भी किसी एक व्यक्ति का चयन किया जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसको जैसा कहेंगे वैसा ही बोल करके आएगा. तो यानी मैसेज को अच्छे से इनकोड करना सेंडर की ड्यूटी बनती है और उसे मैसेज को ढंग से डिलीवर करना चाहिए, ताकि वो समझने वाला व्यक्ति उस मैसेज को अच्छे से समझ पाए. अब मैसेज होना भी जरूरी है. यदि मैसेज ही नहीं है तो सेंडर भेजेगा क्या? यानी सबसे पहले सोचना जरूरी है कि हमें किसी को क्या मैसेज देना है. जैसे कि मान लीजिए, हम उदाहरण ले कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास व्हाट्सएप है, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है उस व्यक्ति के जिसे हमें मैसेज करना है. तो रिसीवर अगर उपलब्ध नहीं है तो भी मैसेज नहीं जाएगा, और नंबर भी है और हम भी हैं, लेकिन हमें हमारे पास कोई मैसेज ही नहीं है करने को, तो भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता. सो वंस द एनकोडिंग इज फिनिश्ड, सेंडर गेट्स द मैसेज दैट ही इंटेंड्स टू कन्वे. जैसे ही एनकोडिंग हो जाती है, तो सेंडर उस मैसेज को कन्वे करना चाहता है, उस मैसेज को भेज देना चाहता है उस व्यक्ति तक जिसे उसे वो मैसेज देना है. अब वो मैसेज को भेजने के लिए बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिनका चुनाव कर सकता है. मैसेज को मेल भी कर सकता है, मैसेज को वो स्टेटस पे भी डाल सकता है, मैसेज को वो इंडिविजुअली भी या फिर ग्रुप में या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी वो अपने मैसेज को सोशल मीडिया पे भी कन्वे कर सकता है. कई बार वो मैसेजेस को बिना बोले बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकता है. साइलेंस से भी हमने बहुत बार बहुत से मैसेजेस कन्वे करते हुए देखे हैं. साइज, साउंड से भी हम देखते हैं कि मैसेजेस कन्वे हो जाते हैं. आप कहेंगे कि साइलेंस से मैसेज कैसे कन्वे हो सकता है? सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने घर पे अपने मम्मी पापा से पूछा कि आज मैं शाम को मूवी देखने चला जाऊं या फ्रेंड्स के साथ मुझे पार्टी के लिए जाना है, तो आपको उनके फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा कि आपको जाना है या नहीं जाना है. तो ये आप इफेक्ट देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चर्स, सिंबल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. यानी कई बार हम हाव भाव से ही पता कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही समझ जाते हैं. सिंबल्स आपने देखे होंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं. कई बार आप सिर्फ स्माइली भेजते हैं, कई बार आप एक ऐसा उदास चेहरा भेजते हैं जिससे भी आप बहुत सारे मैसेजेस कन्वे कर देते हैं. कई बार आपने थंब इम्प्रेशन भेज दिया, आप कोई और ऐसा क्लैपिंग कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप उसको कैसे एनकरेज कर रहे हैं, मैसेज पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो आपने देखा होगा इन सिंबल्स का, इमोजीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक मैसेज को कन्वे करने में. यानी आपने कोई बहुत बड़ा मैसेज भी नहीं लिखा, आपने ना कोई बहुत बड़ी बात कही, बट स्टिल अगर आपने एक अंगूठा दिखा दिया या आपने एक अच्छी स्माइली भी भेज दी, तो आप तो अगले व्यक्ति को लगेगा कि हाँ, आपने उसको कन्फर्म कर दिया, आपने उसके मैसेज को पढ़ भी लिया, आपने उसे समझ भी लिया और आपने उसे एग्री भी कर लिया. उसके बाद आता है बेटा कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत जरूरी है. आपको माध्यम ही नहीं है तो आप कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे. माध्यम फेस टू फेस हो सकता है, किसी से आमने सामने बैठ करके आप बातचीत कर सकते हैं. आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी को बाहर विदेश में बैठे भी फोन लगा करके आप अपनी बात को कह सकते हैं. इसके साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैसेज को लार्ज मैसिव लेवल पे कन्वे करने का. यानी ब्रॉडकास्ट से आपने देखा होगा कि डीडी इंटरनेशनल पे एक न्यूज आ रही है, वो ब्रॉडकास्ट है. यानी बड़े बड़े ऐसे चैनल्स पे कुछ ऐसी न्यूज आती है या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए या ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं जो हजारों या फिर लाखों या करोड़ों की संख्या में लोगों तक एक मैसेज एक मिनट में पहुंच जाता है. उसके बाद हम कई बार ये भी देखते हैं कि रिटर्न मैसेजेस की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है. जैसे आपको मेल करना है या आपको प्रिंसिपल या वाइस चांसलर को लेटर लिखना है, ये भी एक बहुत बड़ा रिटर्न कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. इसका बड़ा महत्व है, इसको हम अच्छे से रिकॉर्ड रख सकते हैं. और प्रोफेशनल करियर में हम देखते हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन को बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है.
इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Nowadays, you may find that electronic media is more important as far as if we wish to convey a message to anyone. कई बार हम स्टेटस पे भी कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं जो आप जिसको भी न चाहे वो भी आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है. यानी आपको पर्सनली एक एक व्यक्ति को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप मैसेज को कॉमन मास तक पहुंचा सकते. कम्युनिकेशन चैनल के बाद आता है रिसीवर. रिसीवर एक व्यक्ति भी हो सकता है, रिसीवर बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, रिसीवर हजारों लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि वो मैसेज आपने किस मीडियम किस चैनल के थ्रू भेजा है. अगर आपने पर्सनल मेल किया है तो वो एक ही व्यक्ति को जाएगा, अगर आपने ग्रुप में मेल किया है तो ऑल मेल किया है तो जितने लोगों लोग उस मेल से जुड़े हैं उनको वो मेल मिल जाएगा. लेकिन यदि आपने ब्रॉडकास्ट का सहारा लिया है, आपने इंटरनेट का सहारा लिया है, आपने सोशल मीडिया हैंडल्स का सहारा लिया है तो वो मैसेज बहुत सारे लोगों तक जा सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि आपके रिसीवर कौन कौन हैं और उन रिसीवर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको मैसेजेस को एनकोड करना चाहिए जिससे आपका मैसेज सक्सेसफुली उन लोगों तक पहुंच पाए. रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसको मैसेज मिलता है और वो उसको ट्राई करता है डिकोड करने की ताकि वो उस मैसेज को अच्छे से समझ पाए. He has to comprehend it in the best possible manner such that the communication objective is attained. यानी communication का objective क्या है? Sender ने किस objective से वो message convey किया था? यदि वो message उसी objective के साथ receiver comprehend कर लेता है, understand कर लेता है, तो sender का objective complete हो जाता है. और the degree to which the receiver decodes the message depends on his knowledge, subject matter, experience, trust and relationship with the sender. कई बार ऐसा होता है कि आपको मैसेज आपके फ्रेंड ने दिया तो आप तुरंत ही मान लेंगे. कई बार ऐसा होता है कि आपको मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जैसे समझ लीजिए टीम लीडर ने दिया है या आपकी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव ने दिया है, आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आपको वो मैसेज समझने में देरी लगेगी, आप उस मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये डिपेंड करता है कि आपका मैसेज किसके द्वारा आया है और उस पर आपको कितना ट्रस्ट है. यदि आपको विश्वास है उस व्यक्ति पर जिसने वो मैसेज भेजा है तो आप 2 सेकंड में बिना समझे बिना डिकोड किए ही समझ जाएंगे और एक्सेप्ट और एग्री कर लेंगे. लेकिन जिस व्यक्ति ने मैसेज भेजा है वो उस व्यक्ति पे आपका यकीन नहीं है, उसको आप अच्छे से नहीं जानते हैं, आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति से अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसे अलग अलग तरीके से डिकोड करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट मीनिंग्स निकाल करके उस मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे जैसा आपका रिलेशन उस व्यक्ति के साथ में है. और उसके साथ ही साथ आपका अनुभव कितना है, आप उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जानकारी कितनी रखते हैं, इन सब बातों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. और एक रिसीवर उस मैसेज को तभी ढंग से समझ पाता है जब उसको उस मैसेज के से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से प्राप्त हो, अदरवाइज वो मैसेज को गलत वे में भी समझ सकता है. डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो सेंडर ने मैसेज हमें भेजा है वो अच्छे से बेस्ट पॉसिबल मैनर में डिकोड किया जाए ताकि जो रिसीवर है उस मैसेज को अच्छे से समझ. तो अब आपको वहां पे हर एक वर्ड पे फोकस करना है और उसने किस मकसद से वो मैसेज आपको दिया है उस मकसद को भी आइडेंटिफाई करना है और सही तरीके से उस मैसेज को समझने की कोशिश करनी है. ये एक सेंडर का धर्म है कि वो मैसेज को अच्छे से डिकोड करे कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसे अच्छे से वो समझ पाए और जो सेंडर ने जिस इंटेंशन के साथ उस मैसेज को कन्वे किया था वो बिल्कुल उसी इंटेंशन के साथ उस मैसेज को समझ पाए. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब रिसीवर उस मैसेज को ढंग से समझ लेता है और उसी प्रकार का जिस इरादे से सेंडर ने मैसेज भेजा है वो बिल्कुल ठीक उसी इरादे से उस मैसेज को डिकोड कर पाता है या रिलेट कर पाता है या समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, एग्री कर पाता है, तभी वो मैसेज या कम्युनिकेशन सक्सेसफुल माना जाता है. अब उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे आपसे हर वक्त फीडबैक मांगा जाता है.
कुछ नहीं, तो आपसे व्हाट्सएप पे आपने किसी को मैसेज किया या फिर आपने कोई वीडियो कॉल किया तो भी आपको बस एक ये ऐसी देखो ऊपर चार पांच स्माइलीज बनी आएंगी कि आपको इनमें से किसी एक पर क्लिक करना है और फीडबैक चला जाएगा। यदि आपने नंबर वन पे किया तो यानी आप थोड़ा सा उसे पसंद कर रहे हैं, टू पे किया तो आप थोड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और थ्री पे किया यानी ठीक है मॉडरेट लेवल है आपका, आप उसे पसंद तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा उससे प्रभावित नहीं है। लेकिन आपने फोर और फाइव कर दिया, इसका मतलब आपने 5 स्टार दे दिए, अब आपको उससे कोई तकलीफ नहीं है, जो भी बात आपसे पूछी जा रही है वो आपको 100% समझ आई है, पसंद आई। फीडबैक का मतलब बहुत तरीके से हम फीडबैक ले सकते हैं, हम सर्वे करवा सकते हैं, हम किसी की ओपिनियंस ले सकते हैं, हम कहीं पे कोई रिजल्ट अगर आता है तो वो भी एक फीडबैक के तौर पर हमारे पास आ जाता है, हम किसी के आइडिया को भी फीडबैक के अंतर्गत ले सकते हैं, हम कई बार कमेंट्स मांगते हैं। आपने देखा होगा हर एक, आपने अमेजोन यूज किया, आपने कोई भी ऐसा सोशल मीडिया यूज किया तो हमेशा आपसे कमेंट मांगते हैं कि इसको स्टार दीजिए, पसंद आया ना पसंद आया, जो भी आपकी राय है उसे मेंशन कीजिए, रेटिंग कीजिए दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, एडवाइस दीजिए, कमेंट करिए, तो ये सारे क्या है, फीडबैक्स हैं। तो इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन एज इट परमिट्स द सेंडर टू नो द एफिशिएंसी ऑफ हिज मैसेज। सेंडर ये जानना चाहता है कि जो मैसेज उसने भेजा है वो कितना इफेक्टिव था, कितने अच्छे तरीके से लोगों ने उसे लिया, क्या वो मैसेज इफेक्टिव नहीं था तो उसे और ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका मैसेज इफेक्टिवली लोगों के द्वारा लिया जाए, तो वो अपने अंदर सुधार भी कर सकता है, इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। इसीलिए फीडबैक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए। के साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनवायरनमेंट किस तरह से हमारे मैसेज को या हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। कॉन्टेक्स्ट इज द सर्कमस्टेंस that form the setting of an event, statement, idea and in terms of which it can be fully understood and assessed. Context का मतलब होता है संदर्भ, किस संदर्भ में हमने कौन सी बात कही है। यदि वो बात उसी संदर्भ में रिसीवर के द्वारा समझी जाती है तो हमारा कम्युनिकेशन या हमारा मैसेज कम्युनिकेट करने का मकसद कंप्लीट हो जाता है। कौन सा आइडिया था, किस बात पे, जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ही आप क्लास में आते हैं, यू कम फ्रॉम समवेयर, सो डिड द पर्सन सीटेड नेक्स्ट टू यू एज डिड द इंस्ट्रक्टर। द डिग्री टू विच द एनवायरनमेंट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्चुअल एक्सपेक्टेशंस फॉर कम्युनिकेशन हेल्ड बाय द पार्टिसिपेंट। अब आप नए नए क्लास में जाते हैं तो डिपेंड करता है कि आपको वहां का माहौल कैसा लग रहा है। अगर बहुत ज्यादा फॉर्मल बिहेवियर है तो आसपास बैठे लोग से आप बिल्कुल बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, या पसंद तो करेंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहां बहुत फॉर्मल बिहेवियर है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात कर नहीं रहा है। और कई जगह आप जाएंगे बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है, पार्टी में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमारा माहौल अलग हो जाता है, हमारा रिलेशनशिप अलग हो जाता है, और वो एनवायरनमेंट पार्टी का है, शादी का है, भले ही हम अनजान लोगों से मिल रहे हैं लेकिन वहां पर हमको उसी तरह से कम्युनिकेट करना पड़ता है और हम आराम से एंजॉय करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन यदि हम किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो भले ही हम रोज उन बच्चों से मिलते हैं बट जैसे ही हमारी क्लासरूम का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो हम बिल्कुल उसको फॉर्मल तरीके से करते हैं। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रोसीड करवाने में। दूसरा बेटा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्फ्रेंस। आप देखेंगे लेटर ऑफ इन्फ्रेंस यहाँ पे मैंने बनाई है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल डाटा, सेलेक्टेड डाटा, अजम्पशंस, बिलीव्स एंड एक्शंस। अब होता क्या है, आपका विश्वास होता है, आप विश्वास किस बात पे करते हैं, जो आपने पहले से सुना है, आपको पहले से जो बातें समझ आई हैं, यानी आपने अपने पर्सनल सिलेक्टेड डेटास पर बिलीव करना शुरू कर दिया है, और उसके बीच में अजम्पशंस यानी ऐसी कोई धारणाएं भी होती हैं जिन जिन पे आपने शुरू से बचपन से यकीन कर रखा है,
वो भी आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रभावित करती है। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि आपको ऑब्जर्वेबल डाटा पे बिलीव करना चाहिए, आपको चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार से आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, किससे हो रही है और क्यों हो रही है, क्या बात आपसे कही जा रही है। आप डेटास को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप पहले ऑब्जर्व करिए, सेलेक्ट करिए। हाँ, हालांकि आपकी खुद की जो अजम्पशंस हैं वो भी प्रभावित करेंगी, आपका जो विश्वास है, आपका बिलीफ है, वो भी करेगा, बट आप उस पर एक्शन लेंगे और आप उसी प्रकार से उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरफेरेंस या इंफ्रेंस डिफरेंट हो गया। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि आपको जब कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉन्टिन्यू कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो इंटरफेयर करती है, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो, जैसे कि नॉइस है या फिर कोई अलग सोर्सेज हैं या किसी और की कही गई बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कई बार हैंडल करती है, को इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से आप जो बात किसी से कहने वाले होते हैं वो ढंग से कहने। मेजरली हम देखें तो नॉइज होती है वो हमारी बातों को, यानी कहीं आवाज हो रही बहुत तेज तो हमारा ध्यान भटक जाएगा और हम उस आवाजों की ओर ध्यान देने लगेंगे, बजाय कि हम जिससे बातचीत कर रहे हैं उसकी बात को ध्यान से सुने। तो एक बार में हमें कई बार समझ भी नहीं आता है और हम उसे कहते हैं कि एक बार वापस से बताना, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था और मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया। अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस कैन कम फ्रॉम अदर सोर्सेस टू, परहैप्स यू आर हंग्री, योर अटेंशन टू योर करंट सिचुएशन इंटरफेयर्स विद योर एबिलिटी टू लिसन, मे बी द क्लासरूम इज हॉट एंड स्टफी। कई बार क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी गए, क्लासरूम में गए और वहां पे हमने देखा कि बहुत जबरदस्त धूप है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है और हमारे लिए क्लासरूम कंडीशन या वेदर कंडीशन एकदम फेवरेबल नहीं है, तो जब हमें पढ़ाएगा वो हमें समझ में नहीं आएगा। या फिर हमें बहुत तेज भूख लग रही है और हम पढ़ रहे हैं या हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भूख पे चला जाएगा और हम बिल्कुल भी अगली की कही बात को समझ नहीं पाएंगे। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ एन ऑडियंस लिसन टू अ गेस्ट स्पीकर, दिस कुड इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू लिसन एंड पार्टिसिपेट। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, हम भले ही नहीं बोल रहे हैं, हम वहां पे सिर्फ एक्टिव लिसनर ही हैं, तो भी हम सुन नहीं पाएंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे को अफेक्ट करती। नॉइज इंटरफेयर्स विद नॉर्मल एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज कैरिड बाय द चैनल बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। नॉइज एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी आवाज अगर हो रही है तो कितना भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोई कितना भी ढंग से पढ़ा रहा है, बता रहा है, बातचीत कर रहा है, वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसका ध्यान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा जो व्यक्ति उससे बातचीत कर रहा है उसकी बात, और वो बात उसे समझ में नहीं है। अब कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी नॉइज भी होती है जो पैसिव नॉइज होती है, जैसे कि किसी का फोन की घंटी बज गई या फिर किसी से बातचीत हम कर रहे हैं उस वक्त कोई और व्यक्ति वहां पर आ गया, या फिर हमने देखा कि कोई और जोर से आवाज होने लगी, भले ही वो हमारे घर में नहीं हो रही है, हमारे आसपास नहीं हो रही, भले ही दूरी हो रही है, कोई लाउड स्पीकर चल रहा है, तो हमारा ध्यान वहां चला जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस बाधित हो जाएगा और हम उसे ढंग से कर नहीं पाएंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग, मीनिंग एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरफेरेंस। ये सारी चीजों को आज हमने अच्छे से पढ़ा, जिनसे हम ये जान पाए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और किस प्रकार से हम किसी की बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं या अधूरी समझ पाते हैं, ये चीजें कैसे फीडबैक के द्वारा दूर की जा सकती है, इन सारी बातों को हमने डिटेल में समझा। यहाँ पर एक पिक्चर भी बहुत कुछ बातें कह रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंडर ने मैसेज दिया कि योर फूड स्मेल्स डिलीशियस,
उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे खाना खाना है, उसने कहा कि आपके खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। तो अब वो क्या सोच रहा है कि शी वॉन्ट्स टू टेक अ बाइट। अब ये इंटरप्रिटेशन उसने ले लिया, ये मतलब उसने ये समझ लिया रिसीवर ने कि शायद वो मेरा खाना खाना चाहती है। अब मतलब वो उसकी अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसने समझा कि जरूरी नहीं है कि हम कहे गए व्यक्ति की बात को उसी प्रकार से समझ पाए यदि हम वो बात वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है। तो आज हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स के बारे में जाना, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट हमको प्रभावित करते हैं। आने वाले वीडियो में हम बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अदर फैक्टर्स सच एज नॉन वर्बल बिहेवियर और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में भी डिटेल में बातचीत करेंगे और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।